नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एरे स्ट्रक्चर यूनियन और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी ये इसका डिफरेंस यूजफुल रहेगा अब एरे क्या होता है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स इसको ध्यान रखो सिमिलर डाटा टाइप्स और जो कंटिन्यूस मेमरी लोकेशन के अंदर सेव हो गए सिंटेक्स क्या है डाटा टाइप एरे का नाम और उसका साइज तो सिंपल मैं एक एरे का बनाता हूँ लेटस से इंटीजर टाइप का तो मैं क्या लिखूँगा इंट एरे का नाम मैं सपोज़ रख रहा हूँ ए और साइज़ दे रहा हूँ टेन मतलब एक मैंने एरे बनाया वेरिएबल जिसका नाम है ए उसके अंदर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ कितनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ दस अब देखो ये है कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा कॉन्टिगूस मेमरी में यानी कि ए ऑफ ज़ीरो यहाँ पर आएगा ए ऑफ वन इसके जस्ट नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन वहां पे आएगा ए ऑफ टू उसके बाद आएगा और कुछ इस तरह से आपका पूरा ये मेमोरी एलोकेट होगी इन द केस ऑफ एरेज ठीक है सो काफी सिंपल है एरे का कॉन्सेप्ट सिमिलर डाटा टाइप्स को हम यूज करते हैं इसके अंदर कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में होता है और सिंटेक्स इसका क्या है डाटा टाइप एरे नेम एंड साइज क्लियर सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे अब देखो क्या करते हैं एरे के अंदर जो स्टार्टिंग है सबसे पहले शुरू हमेशा ऑफ जीरो से होता है ये ध्यान रखना ए टेन का मतलब क्या A A है ए जीरो से ए नाइन टेन है साइज टेन का मतलब इंडेक्स नहीं है इंडेक्स इसका जीरो से शुरू होता है और कहां तक जाता है साइज माइनस वन तक तो यहां पे आप लिख सकते हो इसका इंडेक्स जीरो टू साइज माइनस वन ठीक है अब आ आती है स्ट्रक्चर की जहां पे एरे था सिमिलर डाटा टाइप स्ट्रक्चर और यूनियन होते हैं डिसिमिलर डाटा टाइप्स के कलेक्शन अब दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे लिखा है पर दोनों का एक बार हम सिंटेक्स भी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं हम सिंटेक्स दोनों के डिसिमिलर डाटा टाइप्स के लिए यूज़ होता है और सिंटेक्स होता है इसका एग्जाम्पल की मदद से ही लिख देता तो हूँ मैम सपोज मैंने लिखा है स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्ट की यूज़ करना है उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर का नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बुक और इसके अंदर आपके डाटा टाइप्स हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हो सकता है इंट नंबर ऑफ पेजेस डिसिमिलर हैं तो इंट के अलावा भी कुछ और हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ बुक का नेम हो सकता है करेक्टर टाइप का ठीक है so, सो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे हम इसके वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे कैसे क्रिएट करोगे सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं स्ट्रक्ट बुक बी वन बी टू एंड सो ऑन ठीक है सो ये हो गया स्ट्रक्चर का सिंटेक्स अब देखते हैं यूनियन का सिंटेक्स यूनियन का सिंटेक्स भी बिल्कुल सेम है बट आपको यूज करना है कीवर्ड यूनियन सो यूज़ करेंगे यूनियन नेम हो गया बुक वो भी डिसिमिलर सिमिलर है टाटा टाइप्स को यूज़ कर सकता है तो दोनों हम लिख देंगे यहाँ पे इंट पेजेस करेक्टर नेम और ऐसे और एक्सेस करने के लिए सेम ऐसे ही करेंगे यूनियन बुक बी वन बी टू तो सिंटेक्स तो हमने देख लिया सिंटेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है बस डिफरेंस आता है जो कीवर्ड है यहाँ पे स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे हम यूनियन यूज़ करते हैं अब दोनों डिसिमिलर डाटा टाइप्स का कलेक्शन है तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों का जो डिफरेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के अंदर आ सकता है सबसे पहला जो डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर के जितने भी मेम्बर्स हैं आप एक साथ एक्सेस कर सकते हो ऑल द मेम्बर्स कैन बी एक्सेस्ड एट वंस जबकि यूनियन के अंदर एक एक करके ही आप एक्सेस कर सकते हो ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड और यूज एट ए टाइम सेकेंड जो डिफरेंस है ये इम्पॉर्टेंट है अब देखो अगर इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे था ये इंटीजर लेता है क्या टू करेक्टर लेता है वन तो जो मेमोरी एलोकेट होगी इस बुक के लिए वो होगी मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायर्ड यानी इस केस में जो मेमोरी एलोकेट होगी वो किसके बराबर होगी साइज़ ऑफ पेजेस क्योंकि इंटीजर टाइप बड़ा है ठीक है जबकि जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड होती है यानी इसके अंदर क्या होगी साइज ऑफ पेजेस प्लस साइज ऑफ नेम तो दोनों को मिला के जितनी मेमोरी की जरूरत होती है उतनी एलोकेट होती है तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच का स्ट्रक्चर एंड यूनियन तो यहां पे हमने देख लिया एरे क्या होता है सिमिलर डाटा टाइप्स का कलेक्शन होता है कैसे बनाते हैं डाटा टाइप नाम साइज़ इंडेक्स होता है जीरो से साइज़ माइनस वन कॉन्टिक्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है स्ट्रक्चर यूनियन देखा दोनों का हमने एक एक सिंटेक्स देखा और दोनों के डिफरेंस भी देख लिए